हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आप मेरी मेहंदी, हल्दी और मेरी बैचलर्स पार्टी देखोगे। सबसे पहले बैचलर्स पार्टी। तो अभी यहाँ पे फोटोशूट हो रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम खड़े होके फोटोशूट करें या बैठकर। वैसे बैठकर ज्यादा अच्छी आएगी। हाँ, बैठ जाते हैं। चलो यार, इन लोगों ने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला एटलीस्ट। सबसे पहले मैंने सिंगल फोटोशूट करवाई, उसके बाद अपनी बहन के साथ और फिर अपनी फ्रेंड के साथ। अरे यार, पोज बताने में भी हंसी आ रही है, हर चीज में हंसी आ रही है। हम तो हंसते हंसते आज पागल ही हो गए। टाइम ओवर हो गया ना, याद नहीं आ रहे ढूंढने वाले। वैसे लेफ्ट को पैर करने वाला फोटोशूट अच्छा आता, बट भैया ने बोला सामने करके करो, उससे हमारा बैलेंस ही बिगड़ गया। और भैया ने बोला साथ में हाथ भी ऊपर कर लो। वैसे आप घर पे ट्राई करके देखना, आप भी लंगड़े लंगड़े के नीचे गिर जाओगे। इसमें आगे वाले हैंड्स भी यू कर सकते हैं। ज्यादा अपनी जगह इसलिए आगे कर फोटो देखने। आप आइए, आप लोग थोड़ा क्लोज आइए, आप चार लोग आप आगे। ये तो स्ट्राइक हो गया, ये हमारे चिली पटेटो तो दिख जाएगा। इसे दिखाओ। अभी मैं अपनी फ्रेंड्स को पोजेस सजेस्ट कर रही हूँ। ये सब लोग वैसे ही इतने सुंदर हैं यार, इनको पोज बताने की जरूरत ही नहीं। नॉर्मल भी खड़े होके करेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेंगे। ये इट्स डांस टाइम। फिर हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया और लास्ट में खाना खाया। खाना भी हमने दबा के एकदम चिली पनीर, चिली पटेटो सब ऑर्डर करके खाया। तो पूरी रात हम लोगों ने खूब सारी मस्ती करी और देखो हमारा डांस। आखिर बैचलर्स पार्टी भी तो शादी की तरह एक ही दिन सेलिब्रेट की जाती है। क्यों गाइस? क्योंकि शादी के बाद हम बैचलर्स नहीं कहलाते। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट भी था मेरे लिए ये। मेरे फ्रेंड्स बहुत टाइम बाद हम लोग साथ में थे, तो यार यही एक दिन था जब हम लोग साथ में इतना इंजॉय कर सकते थे। उसके बाद तो कोई कहीं कोई कहीं। मेरी बहन की गर्दन थक गई, पोज नहीं बन पा रहा। अब देखो ये पंजा लड़ाने वाला पोज, इसमें हमने अपनी फ्रेंड के ऊपर पैर रख दिए थे। तो पूरी पिचक गई होगी। जब तक फोटो अच्छी नहीं आई तब तक हमने इसके ऊपर ऐसे पैर रखा हुआ था। अब देखते हैं ये उठ पाती है या नहीं। वो बेचारी बड़ी रोते रोते स्माइल कर रही है। मोनू तो पूरा पिचक गई है आज। सोनू कह रही थी कि यही तो याद रहेगा कि मेघा की बैचलर्स पार्टी में हमने ये किया। देखो अभी मैं जंप करूंगी ना तो मोनू टप्पा खाएगी। देखो टप्पा खा के नीचे गिर गई। ऐसे टाइम पे एक टाइम ऐसा आता है ना कि हम सोचते हैं यार बस हो गया, बट नहीं, हम लोग फिर कंटिन्यूअसली फोटोशूट इसलिए करवाते हैं ताकि मेमोरीज हमारे पास रहे उसकी, जो हमने पार्टी की है, जो हम लोगों ने शादी की है। तो अब होती है शादी की स्टार्टिंग। स्टार्टिंग होती है श्री गणेश पूजा से। यहाँ पे आ गए पंडित जी शंख बजाते हुए और पगारियां गीत गाते हुए। ये हो रही है श्री गणेश पूजा। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। मेरे भाई को, मम्मी को, बहन को, सबको टीका लगा के पंडित जी अपनी पूजा कर ही रहे हैं। तो मैं थोड़ा वॉइस ओवर दे देती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। जो पीछे गाना गा रहे हैं ना उन्हें हमारे यहाँ फगार और गिदार कहते हैं। कोई भी शुभ काम में वो गाना गाते हैं। अभी मैं आई हूँ संगीत के लिए मेकअप करवाने। मैंने इन्हें बोला है कि प्लीज लाइट मेकअप करना, डार्क मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। देखते हैं कैसा करते हैं। वैसे गाउन भी लाइट है, थोड़ा डार्क अच्छा लगेगा। पहली बार यूज हो रहा है। थोड़ा सा ना मुझे लगता है डार्क मेकअप हो गया है, बट कोई नहीं, है ना? आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट्स में जरूर बताना। गाइज, मैंने गाने की स्पीड इसलिए तेज कर रखी है बिकॉज मैं डर रही होगी कहीं। उसके बाद सब लोगों ने उस वाले सॉन्ग पे डांस किया। तारों को चमकता गहना हो, सब लोगों ने मिलकर डांस किया। क्योंकि संगीत में मैं ऑलरेडी लेट थी और गांव वाले नहीं आ पाए क्योंकि सुबह पंडित जी ने ही लेट कर दिया था आने में ना। उनको भी कहीं किसी शादी से आना था तो
से लेट हो गया, बट कोई नहीं, घर वालों ने खूब सारा डांस किया। अभी मेरी बहनों का डांस हो रहा है यहाँ पे। मेरी बहन कामिनी, माही, तन्नू और मेरी फ्रेंड अंकिता, सोनू और मेरी दीदी हैं। फुल डीजे नाइट देख लेती हूँ। और अब मेरी मेहंदी लगने वाली है इन हाथों में। तो गाइस, ये मेहंदी लाइफ में एक ही बार लगती है, तो आज लगने वाली है। मेरी बहनें मुझे देख रही हैं। ये लोग सोचे जल्दी जल्दी दीदी की मेहंदी लगे तो हम भी लगवा ले, है ना, यही सोच रहे ना तुम लोग। तो गाइस, मैं अभी लोहागढ़ में हूँ और अभी मैं मेहंदी लगा लूँ। गाइस, अभी मेरे को रिंग भी उतारनी है और ठंड बहुत लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी बुआ और मेरी दीदी लोगों ने, सब लोगों ने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड थी और मैं तो ठंड से एकदम कांप रही थी। मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो गई थी ठंड से, बट कोई नहीं, अभी फोटो शूट के बाद मैं रूम पे जाऊंगी और मस्त ब्लोअर के सामने बैठ के अपनी सारी की सारी ठंड दूर कर दूंगी, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। यार ये टेंशन है मुझे, कल मेरी शादी है, सारे फैमिली वालों के साथ फोटो शूट करवाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, यादें कैसे रहेंगी नहीं तो। ये मेरे फ्रेंड्स थे दोनों। अभी हमारी गाड़ी में CNG डल रही है और हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, उसके बाद मुझे 2-3 काम करने हैं और वो काम निपटा के फिर मैं फ्री हो जाऊंगी रात को, और मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगी। अभी तक मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब में 2-3 दिन से कुछ भी अपलोड नहीं कर रखा है। तुम दोनों जूते चुराने वाले हो ना अच्छे से, उसी की प्लानिंग कर रहे हो? हाँ। मतलब किस तरह से चुराने वाले हो ये तो बता। ट्यूटोरियल दिखा रही है यूट्यूब पे, थोड़ा देख के अच्छे से प्लानिंग कर रहे ना। अच्छा, और रिबन काटने का भी पता है ना तुमको? हाँ हाँ अंकल, तुझे पता है ना क्या करना है? तो गाइस, मेरी गैंग पूरी तैयार हो चुकी है, अब देखते हैं कि ये लोग कैसे मारते हैं संदीप की पर्स पे। और ये लोग कितनी डिमांड है वैसे तुम्हारी, कुछ मोटा मोटा आइडिया? मोटा मोटा ही होना चाहिए, पतला पतला नहीं होना चाहिए। 5 लाख भैया ने बोला है, 5 लाख है क्या? हमने सच बता, इतना थोड़ी यार। ये तो है प्रैंक है गाइस, सीरियस मत हो जाना, ये प्रैंक है। कहीं उनके घर से कोई देख रहा होगा तो वो बोलेंगे अरे यार। कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, एक नैनो कार आ जाए। काम नहीं, नैनो चलाएगी तो कौन सी बाइक लूंगी मैं। बाइक लेगी? बाइक यार, एक लाख में तो बुलेट आ जाएगी। हाँ, बुलेट बुलेट लेगी। तो पहले तो पता कितना है हिसाब, सरप्राइज है तो की मर्जी है, मर्जी है। 5 रुपए कुछ ज्यादा इनोसेंट बन रही है व्लॉग में देख रहे हो। जैसे कि इनोसेंट होगी, मेरे को पता भी नहीं है कुछ कितना मांगता है। कामनी का अंदर से तो मन यही कह रहा है कि काश जीजू बुलेट ही गिफ्ट कर दे। उनके पास है तो सही, अपनी दे दे, उनकी उठा ले आएगी। माही तो क्या सोच रही है? कुछ नहीं है, सोच रही है स्कूटी मेरे को भी मिली जाए तो ज्यादा। हां, वो सोच रही है मुझे स्कूटी मिल जाए, इलेक्ट्रिक या फिर पेट्रोल वाली। तो अभी हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए। बहुत ज्यादा भूख लगी थी, सुबह से ट्रैवल कर रहे थे और अंकल की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, ट्रैवल सिकनेस हो गई थी इसको। तो ये बहुत टेस्टी है गाइस। आई डोंट नो कौन सी जगह है, हल्द्वानी में स्मार्ट बाजार के सामने, बहुत टेस्टी है। काफ़ी टाइम से ट्रैवल करने के बाद आज मुझे नेल एक्सटेंशंस करवाने ही करवाने थे, तो मैंने सोचा कि यार बिना नेल एक्सटेंशंस के मैं शादी में नहीं अच्छी दिखूंगी, क्योंकि शादी एक ही बार होती है। और नेल एक्सटेंशंस जहाँ मैंने पहले करवाए थे वो 2-3 दिन में निकल गए थे। तो अभी मैं आई हूँ हल्द्वानी में रिलैक्स ब्यूटी पार्लर में, और यहाँ पे मेरे हो रहे नेल एक्सटेंशंस। एंड आई मस्ट से ये पहले वाले नेल एक्सटेंशंस से बहुत ज़्यादा बेटर और प्रोफेशनल वे में किए गए हैं। मैं आपको इनकी शेप दिखाती हूँ, ये देखो। और ये जो है इनका नाम मुस्कान है, ये अभी मेरे लिए रुकी है यहाँ पे। टाइम क्या हो रहा है अंकू, टाइम क्या हो रहा है? 11 बज गया है। इनके पापा का रेगुलरली कॉल आ रहा है कि बेटा घर आ जाओ घर आ जाओ, और ये मेरे लिए रुक गई बिकॉज कल मेरी शादी है। मैंने इनको बोला कि प्लीज रुक जाओ। थैंक यू सो मच मुस्कान। मेरे नेल एक्सटेंड हो चुके हैं और देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं यार, है ना अंकू? अच्छा लग रहा है ना ये, बहुत प्यारा लग रहा है ना ये लहंगे के साथ, सच में बहुत अच्छा लगेगा। और जब मैं पूजा में बैठूंगी ना तो आप देखना ये अलग ही चमकेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ अपनी हल्दी के लिए हेयर स्टाइल करवाने, मैंने मेकअप नहीं करवाना बिकॉज हल्दी में तो यार फेस पे हल्दी लगी जानी है। और नारियल लगा लूंगी, नारियल का तेल लगा लूंगी, सॉरी। उससे क्या होता है ना कि वो जो हल्दी का कलर है वो नहीं चिपकेगा, ऐसा मुझे किसी ने बोला है, तो मैं खरीदना मुझे है अभी। साथ में दीदी हैं जो मुझे याद दिलाएंगी कि नारियल का तेल लेना, ठीक है दीदी याद दिला देना। और दादा आए हैं, और ये वाले दादा आए हैं हेयर स्टाइल बनाने, फिर हम लोग अच्छी अच्छी फोटो शूट करेंगे हल्दी की, है ना। अभी कर रही हूँ अपना हेयर स्टाइल, अभी मेरा हल्दी वाला हेयर स्टाइल होना है। ये भैया मेरे लिए कोकोनट वाटर लेकर आए हैं, थैंक यू। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अब मैं थोड़ा सामान लेकर आ रहा हूं। ओके ओके ठीक है।
देखो यार मैं इतना थकी हूँ ना, मुझे हेयर स्टाइल बनाते हुए भी नींद आ रही है। पता नहीं शादी में क्या होगा। अभी मेरा हेयर स्टाइल तो हो गया है, अभी मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी। अभी इसके बाद हल्दी है, फिर संदीप ने पता है कल ही हल्दी कर ली। मैंने उनको बोला था कि यार साथ में हल्दी करेंगे, बट उन्होंने ना कल ही हल्दी सेलिब्रेट कर ली और हम लोगों का कपल फोटोशूट रह गया। अब कैमरे वाले भैया को मैंने बोला कि हम साथ में कर सकते हैं क्लिक, तो उन्होंने कहा ठीक है कर सकते हो। मैंने उनको बोल रखा है कि उनको बुला लेना, थोड़ी बहुत फोटोशूट्स हो जाएंगी ना तो अच्छी लगेंगी, है ना दी? तो इसीलिए अभी मैंने हेयर स्टाइल बना रखा है। हेलो देखो मुस्कान, जिन्होंने मेरा एक्सटेंशन किया था, इन्होंने मुझे बताया कि कल इनको घर पे बहुत डांट पड़ी है, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इनके लिए कि इन्होंने इतना टाइम दिया मुझे इतना ज़्यादा और इतने प्यारे एक्सटेंशंस किए, हमेशा याद रहेगा मुझे। अभी हो रही है पूजा और ससुराल वाले मुझे हल्दी देने आए हैं, साथ में ये लहंगा भी लेकर आए हैं। तो सब लोगों से मैं मिली, उसमें मेरे सारे देवर हैं, मामा हैं और फूफा जी हैं। पता है मैंने फूफा जी को उस वक्त देखा ही नहीं जब मैं यहाँ पे अंदर आई, तो मैंने बाद में देखा जब पंडित जी ने उनको टीका लगाया, तो मैंने तब उनको प्रणाम किया। फिर मेरे को बड़ा एम्बेरसिंग फील हो रहा था, यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया। और मामा जी सब लोग वहाँ पे थे तो वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस मुझे ही थोड़ा सा लग रहा था कि मैंने उनको देखा नहीं। यार पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोगों में से अगर किसी की शादी होगी तो आपको पता हुआ होगा कि यार शादी में ना बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, रह जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी रह गई, जैसे कि मैं कई चीज़ें घर पे भूल आई, छोड़ आई। तो अभी मम्मी मेरे को लेके जा रही है, सर में ऐसे रंगीली पिछौड़ी रख के लाती है हमेशा। मम्मी मुझे कन्यादान में भी लाई और हल्दी में भी लाई। तो अभी मेरी दादी सबसे पहले कह रही कि मैं रंग लगाऊंगी, दादी को सबसे पहले लगाना था। और दादी को फोटोशूट करना बहुत ज़्यादा पसंद है यार अभी भी। हाँ गाइज, तो मैंने कहा ठीक है दादी सबसे पहले आप आओ, उसके बाद सभी लोग आएंगे। तो मैंने अपने पूरे फेस पे कोकोनट ऑयल और मैंने उपटन वाली जो हल्दी होती है वो लगाई, साथ में वाली रियल हल्दी जो आई थी वो भी मिक्स करी है। रियल वाली हल्दी होती है ना वो फेस पे लग जाएगी, इसलिए नारियल का तेल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे आप लोगों ने अपनी हल्दी में क्या क्या किया, जिनकी शादी हो गई है वो कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है अपना एक्सपीरियंस। आप लोग बैठ सकते हैं, हम खड़े हैं आपके लिए, दोनों। तो दोस्तों आज के व्लॉग में मैं इतना ही दिखाऊंगी, कल मैं आपको दिखाऊंगी हल्दी से ही स्टार्ट करूंगी जहाँ पे ये व्लॉग एंड हुआ है, और शादी तक पूरा व्लॉग देखना ज़रूर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।